नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन पर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा का विषय है सोफिस्ट। इस चर्चा में हम जानेंगे कि सोफिस्ट का अर्थ क्या है, सोफिस्ट कौन थे और प्राचीन यूनान में ये किस तरीके से कार्य करते थे और राजनीतिक चिंतन में इनकी क्या भूमिका रही। यूनान के क्रमबद्ध राजनीतिक चिंतन जिसमें प्लेटो और अरस्तु जैसे चिंतकों को हम पढ़ते हैं, तो उससे पहले सोफिस्ट और सुकरात राजनीतिक चिंतक थे जिन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान एथेंस में अपने विचारों को दिया। एथेंस में उस समय लोकतंत्र का उत्कर्ष हुआ और कहीं ना कहीं लोगों को स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता मिली और इस दौरान संपन्न वर्ग जिसमें भूस्वामी, अभिजाति वर्ग, व्यापारी, ये सभी सत्ता के लिए आपस में प्रतिद्वंद्विता रखते थे। तो ऐसे समय में ऐसे शिक्षकों जो वैतनिक शिक्षक थे उनका अस्तित्व आया और धनवान लोग जो कि सत्ता प्राप्त करना चाहते थे उन्हें सफल बनाने के लिए ये शिक्षक शिक्षा देते थे। सोफिस्ट यूनान के नगर निवासी नहीं थे, वे बाहर से आए थे और प्रारंभ में उन्हें मैटिक्स कहा जाता था। जो सोफिस्ट है ये यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान या ज्ञानवान। बाद में इसका अर्थ चतुर व्यक्ति से लिया जाने लगा जो अपने तर्कों से सही को गलत और गलत को सिद्ध करने की कला में पारंगत होते थे। जो सोफिस्ट हैं उन्हें एक तरीके से पहला प्रोफेशनल टीचर भी कहा जाता है एंशियंट ग्रीक का। और सोफिस्ट ऐसे वैतनिक शिक्षक थे जो केवल धनवान लोगों को शिक्षा देते थे। इनकी शिक्षा में वाक निपुणता, तर्क कौशल, आलंकारिक भाषा और भाषण की कला सिखाई जाती थी। अब प्रश्न यह उठता है कि ये सारी चीज़ें सीखने की आवश्यकता क्यों पैदा हुई, कि क्यों लोग वाक निपुणता सीखना चाहते थे, क्यों लोग आलंकारिक भाषा सीखना चाहते थे और भाषण कला सीखना चाहते थे। तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि उस दौरान यानी कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एथेंस में जो शासन प्रणाली थी वो लोकतंत्रात्मक थी। छोटे छोटे जो नगर राज्य थे वहाँ पर जनसभाएँ होती थी और जो भी नीति है उनको बनाने के लिए, उनके क्रियान्वयन के लिए लोग अपनी नीतियां प्रस्तुत करते थे और अपनी नीतियों के औचित्य को सिद्ध करना होता था। और वही व्यक्ति अपनी नीतियों के औचित्य को सिद्ध कर पाता था जो प्रभावपूर्ण तरीके से उसे रख सके। तो ये आवश्यकता पैदा हुई कि लोग ये सीखें कि कैसे अपनी बात रखी जाए और कैसे प्रभावपूर्ण तरीके से अपनी बात मनवाई जा सके। वैसे ही वहाँ पर जो न्याय का के जो देने वाले थे, जो न्यायाधीश थे, उनकी नियुक्ति लॉटरी सिस्टम से होती थी। यानी कि जो न्यायाधीश होते थे वो कानूनी रूप से या कानून के जो ज्ञाता थे वो नहीं थे, वो कानून के विशेषज्ञ नहीं होते थे। उनके सामने अपना मुकदमा वही जीत सकता था जो वाक निपुण हो, जो तर्क कौशल से अपना पक्ष रख सके। तो इसलिए भी ये आवश्यकता हुई कि लोग अपनी जो बात है उसको सही तरीके से रखना सीखें। तो ऐसे जो शिक्षक हैं उनका प्रादुर्भाव हुआ। राजनीतिज्ञों के लिए भी वाक निपुण होना बहुत ज़रूरी था, जैसा कि आज भी है कि जो राजनीतिज्ञ हैं उन्हें भाषा का ज्ञान और जो वाक निपुणता है वो ज़रूरी है। जो सोफिस्ट थे वो वाक निपुणता के साथ साथ लोगों को राजकाज के काम, परिवार प्रबंधन की कला, इसमें भी दक्ष करते थे। और जो सोफिस्ट हैं उनका जो शिक्षा होती थी वो व्यवहारिक ज़्यादा होती थी। इस संदर्भ में बारकर ने भी ये कहा है कि जो सोफिस्ट थे वो अर्ध शिक्षक थे और अर्ध चिंतक भी थे। जो सोफिस्ट हैं उन्होंने एक तरीके से नया दृष्टिकोण उस समय समाज को दिया। हालांकि सेवाइन जैसे विद्वान मानते हैं कि उन्होंने कोई नया दर्शन नहीं दिया और वो जो शिक्षा देते थे वो केवल और केवल पैसा कमाने के लिए देते थे, पर कई विद्वान ये मानते हैं कि उन्होंने यानी कि जो सोफिस्ट हैं उन्होंने
विचार नहीं दिया परंतु एक दिशा जरूर उस समाज को दी। जैसे प्रोटागोरस जैसे जो सोफिस्ट हैं उन्होंने राज्य की उत्पत्ति और उसके स्वरूप पर विचार किया। सोफिस्ट का जो दर्शन है उसके कुछ बिंदु हैं जैसे कि मानवतावाद, जो उस समय प्रचलित भौतिकवाद था उसके बजाय सोफिस्ट ने मानवतावाद का समर्थन किया। जो प्रोटागोरस हैं उन्होंने ये कहा कि जो सभी चीज़ें हैं उसका मापदंड मनुष्य है और मनुष्य का अध्ययन ही मानव का सच्चा अध्ययन है। वहीं जो सोफिस्ट हैं उनका ये मानना था कि जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है ऐसी कोई चीज़ संसार में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। उन्होंने बताया कि जो मनुष्य है वो सब चीज़ों के लिए प्रमाण है, यानी कि जो सारे अध्ययन है उनका केंद्र बिंदु मनुष्य ही होना चाहिए। सोफिस्ट मानते हैं कि जो राजनीतिक सत्ता है उसका आधार शक्ति है, या तो लोग दुर्बलों के शोषण के लिए इकट्ठा होते हैं या अपना समझौता करते हैं, वहीं दूसरा जो दुर्बल है वो शक्तिशाली लोगों के से खुद की रक्षा करने के लिए संगठित होते हैं। एक सोफिस्ट है जिनका नाम है थ्रेसिमेकस, उन्होंने कहा कि जो शक्तिशाली है उसके हित की उन्होंने बात की। जब हम बाद में प्लेटो को पढ़ेंगे, प्लेटो की रिपब्लिक को पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि जब सुकरात डायलॉग करते हैं तो उसमें वो थ्रेसिमेकस से या और जितने भी उनके साथ बैठे हुए हैं उनसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ जस्टिस, न्याय क्या है, तब थ्रेसिमेकस उत्तर देते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। राज्य और कानून को वो प्राकृतिक नहीं मानते हैं, उनका मानना है कि जो राज्य है वो निर्मित है और जो कानून है वो शक्तिशाली लोगों के लिए होता है, यानी कि उनके हित के लिए होता है। और जो सोफिस्ट हैं वो एक तरीके से पहले व्यक्तिवादी माने जाते हैं और उन्होंने माना कि जो राज्य है उसका आधार समझौता है, संविदा है। जो सोफिस्ट हैं उस प्राचीन यूनान के, उनमें कुछ नाम प्रमुख हैं जिसमें प्रोटागोरस हैं, एंटीफोन हैं, हैपियास हैं और थ्रेसिमेकस हैं, जिनको हम बाद में जब प्लेटो पढ़ेंगे तभी भी इनका जिक्र आएगा। इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि इन्होंने, हम इससे पहले भी हमने बात रखी कि इन्होंने कोई अलग सा इनका कोई दृष्टिकोण या ऐसे कोई विचारधारा इन्होंने नहीं दी, पर फिर भी इन्होंने जो स्वतंत्र ज्ञान है और चेतना है, यानी कि उस समाज में कॉन्सियसनेस बढ़ाने का इन्होंने काम किया और सुकरात ने इन्हें ज्ञान का पिपासु भी कहा है। तो हमने जाना कि जो प्राचीन यूनान है उसमें प्लेटो से पहले जो राजनीतिक चिंतन को प्रारंभ करने का जो काम किया वो सोफिस्ट ने किया, उनकी क्या भूमिका थी। तो आज का जो लेक्चर है उसे हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।